So firstly, Pratik, welcome to IWM Buzz. Big congratulations for the Big Boss journey. क्या बोलना चाहोगे अपने इस जर्नी के बारे में? मैं आपके लिए एक चीज बोलना चाहूंगी कि दो यू डिडेंट विन द ट्रॉफी, लेकिन आपने ये बात प्रूव कर दिया है कि हारने के बाद भी आप एक बाजीगर निकले हैं रियल लाइफ में. सो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जीतना जरूरी नहीं है कि ट्रॉफी जीतना ही जीतना होता है। जो प्यार, जो मोहब्बत और जो सपोर्ट मुझे मिला है वो मेरे लिए असली जीत है। और वो ट्रॉफी को जो मैंने गले लगाया था, आई थिंक वो जो वहां पे मैंने जो महसूस किया वो मेरी जीत थी। सलमान भाई ने मुझे जो टी शर्ट दी वो मेरी जीत है। एंड आई थिंक इट्स लाइक ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग, दैट इज माई विक्ट्री। और बाकी सब भैया हाथ जोड़ के सबको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार। आपको लगता है कि जो आपने एक अहम फैसला लिया था बिग बॉस ओटीटी में, नो यू वांट अ टिकट ऑफ अ बिग बॉस, वो आज कामयाब हो गया? वो कामयाब हुआ, वो दैट स्टेप वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ? 100% यार, मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने वहां पे ट्रॉफी छोड़ी थी इस ट्रॉफी को पकड़ने के लिए, लेकिन ट्रॉफी मैंने पकड़ी। यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि जैसे ट्रॉफी मेरी है वो मैंने किसी और के घर पे रखवाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने, जिस शिद्दत से मैंने उसको गले लगाया, उस शिद्दत से उस ट्रॉफी ने मुझे गले लगाया, वो इमोशन आई डोंट थिंक कि कोई और फील कर सकता है। एंड मुझे लगता है कि वो सफल हुआ है जेन्युइनली, और इससे बेहतर और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता था यार। मैंने जितना मेरे अंदर था ना, मैंने सारा कुछ निचोड़ के वहां पे डाल दिया जनता के सामने कि देखो यार ये हूं मैं, प्रतीक सेजवाल खुली किताब। हर एक मेरी इमोशन, हर एक आंसू, हर एक मेरी स्माइल, हर एक मेरा लाफ्टर, हर एक मेरी दुख सुख, हर चीज वो सब उनके सामने थी। उसके बावजूद उन्होंने मेरे को इतना प्यार देने की, अगर उन्होंने इतना मुझे इतना प्यार दिया तो आई थिंक मैं जीत गया हूँ जेन्युइनली। प्रतीक, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आप बाहर आए और सोशल मीडिया पे देखा कि इतने सारे आपके आर्मी ट्रूप्स बन गए हैं, अलग अलग फैन ग्रुप्स बन गए हैं, अलग अलग वे से प्रतीक को बुलाया जा रहा है? सो उसपे क्या बोलना चाहोगे? मतलब यार आई जस्ट कुड नॉट, आई मीन मैं अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रहा अभी तक। मैं रात से सोया नहीं हूँ और मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं ज्यादा सही से, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। एंड वो मेरा जोन चल रहा है कि भैया क्या हो रहा है यार, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। मैं 6 महीने पहले तक इट वॉज ऑल लाइक क्या बताऊँ था, बट जो अब है ना इस 6 महीने के गैप के अंदर जो अब हुआ है ना, 1 मिलियन मेरी फॉलोइंग आज हो गई है। एंड आई एम जस्ट, मैं क्या बताऊँ, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया हूँ मैं। मेरे को इतना, इतनी खुशी है ना, जेन्युइनली थैंक्स टू ऑल द प्रतीक फैम एंड माय सिस्टर और एंड माय मॉम, सबको बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। प्रतीक, हमने आपके इस बिग बॉस के जर्नी में कई कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं. तो जब तो स्टार्टिंग के डेज के बारे में बात किया जाए तो सलमान खान ने आपको स्टार्टिंग में काफी ही सुनाया था, काफी ही चिल्लाया था, लेकिन उसके बाद यू गॉट इम्प्रूव डे बाय डे. इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? कितना बुरा लगता था जब सलमान सर सभी के सामने आपको ही सिर्फ टारगेट करते थे या चिल्लाते थे? तो मैं ये कह रहा था कि देखो ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैंने कुछ गलतियां की हैं तो सलमान भाई ने मुझे समझाया। एंड अगर मैं गलतियां नहीं करता तो वो मुझे क्यों समझाते? अगर मैं सब कुछ सही करता तो वो मुझे क्यों समझाते? आई थिंक उनकी वो समझाने की वजह से ही, उनकी वो मुझे बताने की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। उन चीज़ों को मैंने दिमाग में रख के अपने आप को इम्प्रूव किया, तभी मुझे जनता ने इतना पसंद किया, क्योंकि मैंने उनकी कही हर बात को अपने दिल में ऐसे तरीके से बांध लिया कि भैया ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होगी। अगर मेरे आइडल ने, अगर सलमान भाई जो मेरे आइडल है, जो मेरे एक रोल मॉडल है, उन्होंने मुझे एक बात बोली है और मैं वो ना करूं तो मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ यार। तो मैंने हर उनकी कही चीज को के ऊपर अमल किया एंड आई थिंक दैट इज वाई लोगों ने मुझे और पसंद किया, क्योंकि मैंने हर चीज पे सुधार किया। एंड मैं बस जैसे मुझे लगा मैंने अपने दिल से किया जो भी किया। एंड उनकी डांट को मैं डांट नहीं मानता यार, उन्होंने मुझे प्यार से समझाया और मैंने आज उसी समझाने की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। जी, बट प्रतीक, हमने ऐसा देखा है कि आप बिग बॉस ओटीटी में भी और बिग बॉस 15 में भी हमेशा मार खाते हुए नजर आए. हम ऐसा क्या हो जाता था कि सामने वाला आपको ही हमेशा टारगेट करता था? क्या आप एक इजी देखो टारगेट थे फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स? ऑनेस्टली वहां पे हाथ मेरा भी उठ सकता था, बट अपने आप को काबू में रखना इज मेन थिंग। एंड मैंने अपने आप को पूरी तरीके से काबू में रखा। बाकी मार खाना क्या होता है यार, देखो द थिंग इज दैट कि गुस्सा आता है सबको, अग्रेशन सब में होता है, बट उस अग्रेशन को किस तरीके से एक इंसान निकालता है, किस तरीके से एक इंसान उसको यू नो यूटिलाइज करता है अपने अपनी सॉरी अपनी पर्सनैलिटी में, आई थिंक दैट इज वॉट मैटर्स। और अगर किसी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट। मैंने सामने से दोबारा, मैंने सामने से कभी जाके ऐसे नहीं किया कि किसी को मैंने धक्का मारा सामने जाके कुछ किया। आई हैव टोटली कंट्रोल माई सेल्फ, बट एक माहौल ऐसा होता है कि यार गुस्सा आता है,
बट इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग कि फिजिकल वायलेंस हो, हिंसा हो, जो भी है, इट इज नॉट करेक्ट. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने मार खाई है, मैंने अपने ग्राउंड को स्टैंड किया है. उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने मेरे अगेंस्ट जाके बहुत चीजें करी है. अब वो कमजोरों की कमजोरी होती है हाथ उठाना, बट ठीक है, क्या बोले यार. बट आई थिंक जब आप घर पे स्ट्रगल करते थे और फैंस आपको बाहर सपोर्ट करते थे, दैट इज योर विक्ट्री इन दिस. 100% आई थिंक. मुझे तो कह रहे से पता ही नहीं था जब तक मैं बाहर नहीं आया था. अभी भी मेरे को आधी चीजें पता, आधी से ज्यादा मेरे को 90% चीजें नहीं पता कि क्या क्या हुआ है. मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं देख पाऊँ, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा अभी कुछ भी. मैं बस धीरे धीरे करके अपने अंदर वो यू नो अब्सॉर्ब कर रहा हूँ. बट लग रहा है कि कुछ हुआ है, कुछ तो कमाल हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है. शुक्र है. करण को अभी भी आप क्या गुरु मानते हैं? इतने सारे चीजें हुई बिग बॉस के घर में, नो हंसी मजाक सब हुआ, क्या अभी भी करण आपके लिए वही स्टैंड पे है जब आप बिग बॉस के पहले आए थे? देखो, मैंने उनको आइडल माना है, अपना रोल मॉडल माना है. मेरे तो झगड़े बहुत हुए हैं, बट मेरे दिल में उनके लिए इमोशन है, अभी भी है. मेरे दिल में उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, कोई ग्रजेस नहीं है, कुछ नहीं है. एक इमोशन उनके लिए मेरे दिल में है, जो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो रहेगी यार, क्योंकि उनको मैंने एक नजरिए से देखा है अपनी जिंदगी में यार. और मैं कितना भी कुछ भी बोल लूँ, बट मैंने उनको उस नजरिए से देखा है, और वो इतनी आसानी से चीजें नहीं बदलती यार, मैं क्यों झूठ बोलूँ. सो मतलब यार क्या बोलूँ, मतलब मैं आई रियली मेरे दिल में है कुछ चीजें उनके लिए इमोशनली, एंड आई हैव बीन हर्ट बाय हिम, बट इट्स ओके. बाय द एंड ऑफ द शो ही हैज टोल्ड मी कि वो मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने मेरे को वो बात बोली. एंड बस क्या बोलूं यार. प्रतीक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इज देयर एनी रिग्रेट ड्यूरिंग द शो ऑफ ड्यूरिंग दिस जर्नी? नो, आई डोंट थिंक सो. कोई रिग्रेट नहीं है मुझे, क्योंकि वो हर एक चीज जो मैंने इस शो में करी है, वो हर एक पल की वजह से मेरी ये जर्नी इतनी परफेक्ट और इतनी इम्परफेक्टली परफेक्ट बनी है. अगर उनमें से एक भी चीज कोई नहीं होती ना, या मैं किसी भी चीज को ये बोलूंगा कि मैं रिग्रेट करता था, तो वो चीज मेरी पूरी कभी नहीं हो पाती है जिस तरीके से अभी हुई है. इस चीज की ब्यूटी यही है कि इम्परफेक्टली परफेक्ट वो जो चीज हुई है नेचुरली, हर बारी जो मेरे को नेचुरली फील हुआ है, वो चीज हुई है. आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. प्रतीक, लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी, कई सारी फीमेल कंटेस्टेंट जो आती थी वो आपकी दीवानी हो गई हैं, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? देयर आर सो मेनी बस अराउंड गोइंग ऑन दिस, सो व्हाट नेक्स्ट नाउ? क्या प्रतीक क्या बोलना चाहेंगे अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर? मैं अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर ये बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, और मैं खुश रहने का ही आगे यू नो वो करता हूँ एम. मेरे को खुश रहना है. सब मेरी जो आई है फीमेल कंटेस्टेंट, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त रहेंगे, एंड हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम दोस्त हैं, और दोस्त ही है कि मैंने शो पे भी बोला है, मैं बाहर भी बोलूंगा, और मैं ये सबको बोलूंगा. पता नहीं क्यों मेरे ऊपर लोग शक करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है यार, ऐसी कोई बात नहीं है. सब एक वो अच्छी बॉन्डिंग रही है. लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं यार, सलमान भाई ने भी बोला है, एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं यार, ऐसी बात नहीं है. ओके, सो प्रतीक, अपने आर्मी ट्रूप्स को एक फाइनल मैसेज हो जाए, आपके आर्मी जो फैंस आर्मी है उनके लिए. तो अपने फैंस को, अपने जो प्रतीक फैम है, मेरी फैमिली जो है, फैंस नहीं बोलूंगा, फैमिली बोलूंगा, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कि आपने प्रेरणा को बाहर सपोर्ट किया, और प्रेरणा के हर पल उसकी जो यू नो उसकी जो बिना सोए हुए जो रातें गुजरी है, उसको जो आपने हेल्प किया है, दिन रात आपने सपोर्ट किया मुझे, अनकंडीशनली मुझे प्यार किया है, इतना मुझे पर्सनली और इतना मुझसे रिलेट किया, मुझसे कनेक्ट किया, मेरे आंसुओं में आपके आंसू आए, मेरे हंसी में आपकी हंसी आई, और मेरी हर इमोशन से आपकी वही सेम इमोशन जागी. Thank you so much. Pratik, for giving your precious time, and all the best for your future projects. Thank you so much.